गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ खादी प्योर हर्बल्स आमला इमरामी हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये आपके हेयर से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके के हेयर से डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हेयर ऑयल कैसा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर ऑयल की ब्रांड की। तो खादी का ब्रांड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। और ये बिल्कुल 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाता है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और अब बात कर लेते हैं इस हेयर ऑयल की प्राइस की। तो इस हेयर ऑयल की प्राइस है ₹130 और इसकी क्वांटिटी है 200 ml, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। बात कर लेते हैं हेयर ऑयल की पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ऐसे टिप टॉप कैप है और इसकी बिल्कुल लीक प्रूफ पैकेजिंग है। आप देख सकते हैं अंदर में भी यहाँ पे एक कैप दिया गया है ऑलरेडी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मुझे ये पैकेजिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इससे जो हेयर ऑयल है बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। और इसके ट्रांसपेरेंट कलर का एक बॉटल है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपने कितना हेयर ऑयल यूज किया हुआ है। हेयर ऑयल के बॉटल के पीछे में इसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। खादी प्योर ग्रामोद्योग हर्बल आमला एंड रामी हेयर ऑयल हेल्प्स टू रिलैक्स। आमला प्रिवेंट्स प्री मच्योर ग्रेइंग एंड रिचिंग योर हेयर डीप विद इन एंड मेकिंग इट शाइन विद दैट एक्स्ट्रा ग्लॉस। हेयर ऑयल में आमला है जो आपके प्री मच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को रोकता है और आपके बालों में शाइन और ग्लॉसी फिनिश लाता है। और ये हेयर ऑयल जो है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और डैंड्रफ को भी आपके बालों से हटाता है। तो अब देख लेते हैं इसके डायरेक्शंस की, हमें इसे यूज कैसे करना है। पार्च योर हेयर एंड अप्लाई ऑयल ऑल ओवर द स्कैल्प। मसाज द स्कैल्प जेंटली विथ फिंगर्स इन अ सर्कुलर मोशन सो दैट द ऑयल ग्रेजुअली गेट्स अब्सॉर्ब इन टू द स्कैल्प। लीव फॉर एन आवर और मोर बिफोर वॉशिंग। कीपिंग इट ओवरनाइट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। आपको इस हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प पे लगाना है और आपको इस हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प पे 5 से 10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आप इसे 4 से 5 घंटे तक छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे अपने बालों में पूरे रात भर के लिए छोड़ दीजिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद आप अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। बात कर लेते हैं इस हेयर ऑयल की इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें आमला, ब्राह्मी, आलमंड ऑयल, लोध, भृंगराज, हरताकी, नीम, काली हरण और व्हाइट ऑयल मिक्स है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं मैं इस हेयर ऑयल को इतना ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और मैं इस हेयर ऑयल को काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। ये हेयर ऑयल बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ये हमारे बालों को उतना भी ज्यादा ऑयली नहीं बनाता है और ये बिल्कुल लाइट वेट है। और इसे लगाने के बाद हमारे सिर में एक ठंडा इफेक्ट भी मिलता है, जो कूलिंग इफेक्ट रहता है बहुत ही ज्यादा वो अच्छा रहता है। आज का मेरा खादी प्योर हर्बल्स आमला एंड ब्राह्मी हेयर ऑयल का रिव्यू। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।